And the question number 26, on which two factors speed of sound in a medium depends, or write its formula for speed of sound in there. तो देखिए यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग टू फैक्टर्स, द इलास्टिसिटी ई ऑफ द मीडियम एंड डेंसिटी रो ऑफ द मीडियम. और इसके रिलेशन में स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनता है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e अपॉन p, वेयर e इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ मीडियम. द क्वेश्चन नंबर 27, ये क्वेश्चन जो है दो साइंटिस्ट न्यूटन और लैपलास के रिलेशन में है. न्यूटन ने साउंड को कैलकुलेट करने के, साउंड की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया, एक एक्सप्लेनेशन दिया था और फॉर्मूला बनाया था, और उसके बाद लैपलास ने उसमें करेक्शन करके थोड़ा सा चेंजेस किए थे ताकि हम करेक्ट स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस और एयर निकाल सकें. तो आइए सबसे पहले न्यूटन के फॉर्मूले को देखेंगे. तो अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन एंड व्हाट इज़ फॉर्मूला फॉर स्पीड of sound in gases according to the Newton, and second part है what is the Laplace correction for this. Laplace ने इसमें क्या correction किया है. तो पहले part में left की ओर देखें तो Newton assumed that when sound travel in a gas the temperature of gas does not change, यानी कि जब sound gases में travel करती है तो temperature of gas does not change, यानी वहाँ पर temperature में कोई change नहीं होता है gas के. So, propagation of sound is an isothermal change. यानी न्यूटन ने माना कि टेम्परेचर का कोई मतलब ही नहीं हुआ साउंड के मूवमेंट में, तो टेम्परेचर ऑफ गैस चेंज नहीं होगा. तो फॉर्मूला बना V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P अपॉन रो, मीन्स P इज द प्रेशर एंड रो इज द डेंसिटी. और इस फॉर्मूले का यूज करके P की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में लेके जो वेलोसिटी आई साउंड की इन गैसेस 279.5 मीटर पर सेकंड आई, लेकिन जब ये बाद में पता लगाया गया तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वॉज 330 मीटर पर सेकंड. इस बात को देखते हुए लैपलास ने एक इसमें करेक्शन किया. तो अकॉर्डिंग टू लैपलास व्हेन साउंड ट्रैवल इन ए गैस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट इन द मीडियम. तो लैपलास ने माना कि ड्यूरिंग द कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन के समय एक्सचेंज ऑफ हीट मीडियम में नहीं होता है, लेकिन टेम्परेचर तो चेंज होता है, और टेम्परेचर के चेंज होने से स्पीड ऑफ साउंड चेंज होती चली जाती है. तो उन्होंने कहा कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इज एन एडियाबेटिक चेंज, और जब इसके लिए उन्होंने फॉर्मूला बनाया तो उसमें एक करेक्शन लगा दिया. तो वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट गामा पी अपॉन रो लिख दिया, और गामा की वैल्यू 1.4 होती है. जब इस वैल्यू को लगा के आंसर कैलकुलेट किया गया तो देखा गया स्पीड जो आई वो 330 मीटर पर सेकंड आई, जो कि अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट स्पीड थी. तो फाइनल कंक्लूजन आया कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन टेम्परेचर ऑफ गैस डज नॉट चेंज व्हेन द साउंड ट्रैवल इन अ गैस एंड इट इज कंसीडर्ड एज एन आइसोथर्मल चेंज. लेकिन इसका करेक्शन में लैपलास ने बोला कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इज एन एडियाबेटिक चेंज, यानी कि यहाँ पे कोई एक्सचेंज ऑफ हीट इन द मीडियम नहीं हो रहा है. तो फॉर्मूले में गामा लगाकर इसकी वैल्यू 1.4 होती है, एक करेक्शन किया गया और करेक्ट स्पीड निकाली गई. यहाँ पर गामा का मतलब होता है सीपी अपॉन सीवी, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अपॉन स्पीड स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. नाउ द क्वेश्चन नंबर 28, How do the following factors affect, if at all, the speed of sound in air? Frequency of sound, temperature of air, pressure of air and moisture in air. यानी चार चीज़ें हैं, frequency, temperature, pressure and moisture. ये किस तरह से speed of sound को affect करते हैं. तो देखिए frequency of sound का speed से कोई relation नहीं है, यानी कि there is no effect on the speed of sound in air if the frequency is changed. सेकेंड चीज़ आती है टेम्परेचर, द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती चली जाती है. और प्रेशर के चेंज होने से भी कोई चेंज नहीं आता है, यानी देयर इज नो अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड. और मॉइस्चर इन एयर की बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द मॉइस्चर इन एयर. नंबर 29 है, इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर, ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर, राइट विद रीजन.
अगर ह्यूमिड एयर की बात करें तो ह्यूमिड एयर में स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज हो जाती है ह्यूमिड एयर में विद इंक्रीज इन द मॉइस्चर. सो स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द रो यानी डेंसिटी ऑफ द मीडियम. डेट्स वाई इन ह्यूमिड एयर स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है. क्वेश्चन नंबर 30, हाउ डज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वेरी विद द टेम्परेचर. टेम्परेचर बदलने से स्पीड ऑफ साउंड किस तरह से वेरी करती है. तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड फॉर ईच 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन द टेम्परेचर. मीन्स जब टेम्परेचर ऑफ द मीडियम 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड 0.61 मीटर पर सेकंड के रिलेशन में बढ़ती चली जाती है. तो इसका फॉर्मूला बन गया VT इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61T. हियर VT इज द वेलोसिटी बाय इंक्रीजिंग इज द टेम्परेचर है और V0 इज द इनिशियल वेलोसिटी और उसके साथ में लिखा गया है 0.61T. क्वेश्चन नंबर 31 है, राइट अबाउट द फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस. तो देखिए स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस चार फैक्टर से अफेक्टेड होती है. पहला है डेंसिटी ऑफ द मीडियम, दूसरा टेम्परेचर, थर्ड ह्यूमिडिटी एंड चौथा डायरेक्शन ऑफ विंड. तो पहला पार्ट आता है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी. तो वेलोसिटी और स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ मीडियम होती है और वो भी स्क्वायर रूट के रिस्पेक्ट में. दूसरा अफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी आ रहा है. टेम्परेचर को अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. तो अफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द ह्यूमिडिटी इन एयर. फोर्थ पार्ट है अफेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड. द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ विंड. जिस डायरेक्शन में साउंड चल रही है उसी डायरेक्शन में अगर विंड का प्रोपेगेशन है तो स्पीड बढ़ जाएगी और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड घट जाएगी. Now that we come to effect of temperature. देखिए speed of sound in a gas increases with increase in the temperature of gas. तो अभी जैसा पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि एक example लेके समझते हैं. तो speed of sound in air increases by 0.61 meter per second for each degree Celsius rise in temperature. तो we make a formula VT is equal to V0 plus 0.61T. For example, अगर speed of sound in dry स्टिल एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस को 330 मीटर पर सेकंड ले रहे हैं और मान लीजिए हमने टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर दिया है तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज हो जाएगी. और उसको सॉल्व करने का तरीका होगा V25 इक्वल टू V0 प्लस 0.61 इंटू 25. यानी इस फॉर्मूले में हमने ये सारी वैल्यूज रख दी. तो V25 इज इक्वल टू 330 प्लस 0.61 इंटू 25 लिखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 345.25 मीटर पर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 33 है, राइट द फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड. यानी कि द स्पीड ऑफ साउंड किन किन फैक्टर्स पे इन ए गैस डिपेंड नहीं करती है. तो द स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर ऑफ ए गैस, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स एंड वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव.